लिखोगे एग्जाम्पल? हाँ, कॉपी खोलोगे और एग्जाम्पल लिखोगे। कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख, लाइफ 5 इयर्स, सर्विस 0, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1, 2, 3, 4, 5, 500, 20,000, 18,000, 24,000, 22,000 एंड 15,000। कैलकुलेट ARR, याद है ARR में क्या करते थे? एक डिस्काउंटिंग रेट लेते थे, फिर उससे करते थे तो NPV क्या आना चाहिए? 0, ऐसा कुछ करते थे, याद है कि नहीं? अच्छा, IRR में करते थे, ARR में कुछ करते थे, है ना? हाँ, ठीक। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20,000 प्लस 18,000 प्लस 24,000 प्लस 22,000 और एक बार प्लस 15,000 और डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 5। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आया? 10,000 डिवाइडेड बाय 5। आंसर, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 99,000। एवरेज 19, ठीक, 19,800 रुपया कमा रहा है। कितना लगाकर? 1 लाख। तो 1 लाख लगाकर 19,800 कमा रहे हैं, तो परसेंटेज में बता सकते हैं? 19.8%। तो ARR का फॉर्मूला हुआ एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिवाइड किससे करना है यार हमको? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब 1 लाख रुपया लग रहा है। फॉर्मूला लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? ×100, तो 19,800 डिवाइडेड बाय 1 लाख ×100, तो परसेंटेज में कितना आ गया? 19.8। बाकी लोग सोच रहे हैं कि इसमें नया क्या है। नया है, अब सुनोगे,
आईसीएआई का और एक चीज माना, अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, तो इंस्टीट्यूट की दो ओपिनियन है। उनका यार कहना है कि आज कितना लगा रहा है हमने मशीन में, 1 लाख। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, 1 लाख। एवरेज निकालने का फॉर्मूला पता है क्या, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एक तो ये है, एक तो इतना दिया तो सबके सब जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए। अच्छा इसमें ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो भी क्या 19,800 आएगा? तो यार वो ओपनिंग और क्लोजिंग कब करते हैं और ऐसे कब करते हैं, कुछ आइडिया है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पढ़ा है आपने? पार्टनर्स सर छोड़ो ना यार, यहाँ की बात कर, चलो यहीं की बात करते हैं। कितने साल काम हो रहा है, 1, 2, 3, 4 और लास्ट में कितना, 5। बताओ तो पहले साल प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, ऑन एन एवरेज बोलते हैं 19,800। मैं इसको बाद में एवरेज करूंगा उतना ही आएगा, तो मैंने कहा ऑन एन एवरेज प्रॉफिट हर साल का कितना हो गया 19,000, और यहाँ भी कितना कमाया 19,800, और यहाँ भी कितना कमाया 19,800। इस तरह से हर साल हमने 19,800 प्रॉफिट कमाया। आप समझने की कोशिश करना आराम से, ये जो 19,800 कमाया वो कितने रुपए पर कमाया, कितना रुपया लगाया था, क्या यहाँ मशीन का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, यहाँ तो 1 लाख है लेकिन 1 साल बाद उसकी जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए नहीं रह जाती, डेप्रिसिएशन लग जाता। इट मीन्स यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी, मान लो 5 साल का डेप्रिसिएशन, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80,000। तो मैं ये बोलूंगा कि 19,800 कमा रहा वो 80,000 पे कमा रहा। अच्छा यहाँ की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 60,000, और यहाँ 40, और यहाँ, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 0। तो आगे कमा भी नहीं रहे हो, तो बताओ 19,800 कब कमाया, पहले साल, यहाँ शुरू में, कि पहले दिन बिजनेस खोला, दुकान खोली, माल बिक गया, 19,800 आ गया ऐसे। अच्छा साल भर कुछ बिक्री नहीं हुई, साल भर बिक्री सीधा लास्ट दिन आया, नहीं ना सर, कुछ प्रॉब्लम तो यही है ना कि 19,800 किस पे कमाया, यहां भी तो कमाया होगा, यहां भी तो कमाया होगा। एज्यूम सिर्फ कैश फ्लो में करेंगे, अकाउंटिंग में हम एज्यूम नहीं कर सकते, तो इसको ना हमको एवरेज करना पड़ेगा, एवरेज करना ही पड़ेगा। इसका एवरेज कर सकते हो क्या, 90,000, इसका एवरेज 70,000, इसका एवरेज 50,000, इसका एवरेज 30,000, और इसका एवरेज, इट मीन्स अब ये बोल सकता हूं कि ये कमाया मैंने 90,000 पे, ये कमाया 70,000 पे, ये कमाया 19,850 पे। इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा और फिर उसका आपको एवरेज करना पड़ेगा। एक्चुअल में यही होता है, जबकि हम यहां क्या मान रहे थे यार, क्यों टाइम पास कर रहे हो सर, 1 लाख रुपए लगाकर कमाया, बात खत्म करते हैं। अब समझ, क्या इसका एवरेज किया जा सकता है? एक काम करते ना, 19,800 तो ऊपर ही लिखना है, इसी का एवरेज कर लेते ना, टेंशन खत्म। इसका एवरेज करो, 90+70+50+30+10, 50,000। ICAI कहता कि ये पागलपन क्यों कर, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग है 1 लाख आज मशीन की, ये सब भूल जाओ, बोले ये कुछ मत कीजिए प्लीज। आज मशीन की वैल्यू कितनी है, 1 लाख, लास्ट में कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, तो आंसर कितना जाएगा, 50,000। तो 19,800 जो कमा रहा ऑन एन एवरेज किस पे कमाया जा रहा है, 50,000। ये एक ओपिनियन है, उसको बोलते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट। क्या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है आपको अकाउंटिंग में, नहीं फाउंडेशन में नहीं, गुडविल वैल्यूएशन बिजनेस वैल्यूएशन करके एक टॉपिक एडवांस अकाउंटिंग में होगा। खैर चलो ठीक, तो अब मैं एक चीज लिखवाने जा रहा हूँ, ये किसके हिसाब से निकाला, ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब मैं करवा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो यही एक स्टार लगा के लिखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट। वो पहले साल का रिटर्न,
आप घर जाके ना, या फिर अभी एक काम करना, पहले 19,800 डिवाइडेड बाय 90,000 इंटू 100 करना, एक परसेंटेज आएगा। फिर 19,800 डिवाइडेड बाय 70,000 इंटू 100 करना, एक परसेंट, ऐसे पांच आएगी। पहले साल कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर उसका एवरेज करोगे तो मालूम है हम जो निकाल रहे वही आएगा। बस हमने शॉर्टकट कर रहे हैं। हाँ जी, तो ARR का दूसरा वाला फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। ARR इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। इंटू 100 और एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग को क्या बोल सकता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ मशीन, और प्लस क्या करेंगे हम, सेलवेस, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, टू, और फिर बच्चे जब हो जाता है कैपिटल वेस्टिंग, पूरा एफएम खत्म हो जाता है, बोलते सर सुनो आपने ना गलती करवाया था, कॉस्ट ऑफ मशीन में से सेलवेज वाली तो कभी भी माइनस होती है, आपने किसी में प्लस, भाई ये मैं कुछ और ही करवा रहा हूं, अपना दिमाग मत चलाना लास्ट में। तो यहां कितना आएगा, 100,000 प्लस जीरो और डिवाइडेड बाय टू, आंसर कितना आ जाएगा, 50,000। अब हम निकाल रहे हैं ARR, बोलो कितना कमा रहे हैं हम लोग, 19,800। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है, 50,000 इंटू 100, आंसर आएगा 39.2%, 6%। एग्जाम में कैसे करना, एग्जाम में सुनो ARR अब जैसे चाहो वैसे कर सकते, आपकी मर्जी। मेरा एक्सपीरियंस है कि जब जब बच्चों ने ऐसे किया तो इंस्टीट्यूट ने ऐसे किया, जब बच्चों ने ऐसे किया तो उन्होंने ऐसे कर दिया, क्या करें। हाँ अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों करना, और इकोनॉमिक्स तो बनेगा नहीं तो टाइम तो रहेगा हमारे पास, टाइम की कमी नहीं, तो प्लीज आप दोनों करके आ जाना, टेंशन नहीं खत्म। और मैंने ARR जब लिखवाया है तो फॉर्मूला तो लिखवाया होगा उस समय, तो समझ के बोलना, उस समय जब लिखवाया था तो नीचे इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखवाया था कि एवरेज इन्वेस्टमेंट, पक्का। मैंने सिर्फ और सिर्फ शब्द लिखवाया था इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मुझे मालूम था कि आगे मुझे पहुंच के कुछ और बात करनी पड़ेगी, हाँ ये अलग से मुझे लिखवाना था। हाँ कुछ काम है, कुछ राज है, मैंने ये कहा। तो अब हम लोग तैयार हो चुके हैं और हमारे पास बुक भी आ गई है, और सीधा एग्जाम के ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 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 मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको सब कुछ याद होगा, CFAT, पे बैक पीरियड, अब जो होगा देखेंगे। तो बुक ही उठाते सीधा, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क कॉपी को हम कभी देखेंगे नहीं, होमवर्क सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, नहीं तो आपके रजिस्टर इतने ज्यादा हो जाएंगे, 3-4 रजिस्टर में तो पता नहीं लगेगा, फिर एग्जाम में नहीं हो पाएगा। तो क्लास, ये होमवर्क नहीं है, ये तो यहां करवा रहा हूं, ये तो क्लास वर्क ही है। जिन क्वेश्चन को मैं बोलूंगा होमवर्क, उसको भर होमवर्क में करना, ठीक। दूसरी बात, एक चीज सीखा मैंने, प्लीज क्वेश्चन में ना पेज नंबर कॉपी का लिख लें, क्योंकि जब मैं रिवीजन करवा रहा था ना तो होश उड़ गए बच्चे को, ढूंढ ही रहा है एक क्वेश्चन, वैसे तो 5 मिनट में होना चाहिए, हाँ सॉल्यूशन ढूंढने में हमको 15 मिनट लग रहा। शुरू में 2-3 क्वेश्चन मैं साथ में चलूंगा, बस आप मुझे बताते जाना कैसे करना है, मैं करते जाऊंगा, ठीक। तो पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन है कि बुक में,
आंसर आंसर से मतलब नहीं, सॉल्यूशन तो नहीं है ना, थैंक गॉड। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर, नहीं सॉल्यूशन डलवाने का सोचा था, फिर बाद में फाइनल वालों को देखकर लगा कि नहीं भाई ऐसे ही ठीक है, हम लोग सब कॉपी पेस्ट होता कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर वन, पहले ही चैप्टर, इस बार मैंने पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक नहीं फिर मैं पहले कहीं और से स्टार्ट करती, इस बार पहला चैप्टर। द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी हैज टू अल्टरनेटिव प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन। भाई प्रोजेक्ट ए कितना पैसा लग रहा है, 12 लाख कैपिटल आउटले लिखा, मतलब कैसा आउटलुक है, और प्रोजेक्ट बी में लग रहा है 18 लाख और कैश फ्लो आएगा 5 साल तक। अब कैश फ्लो का मतलब क्या समझते हो, सीएफबीटी कि सीएफएटी, दोनों ही हो सकता, नीचे आके देखते कुछ दिया होगा तो सोचें। प्रोजेक्ट ए से हर साल आएगा कितना रुपए, 4 लाख और प्रोजेक्ट बी से हर साल आएगा 5,80,000, कितने साल तक आएगा, दोनों प्रोजेक्ट 5-5 साल के, मतलब पीवीएफ यूज करेंगे कि पीवीएएफ यूज करेंगे, दोनों बातों में अंतर है। प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर यूज करोगे कि हर साल का फैक्टर अलग अलग लेके एन्यूटी जोड़कर, क्योंकि हर साल का एक जैसा है ना यार। डिस्काउंटिंग रेट कितना है, 10%। तो विच ऑफ द टू प्रोजेक्ट कौन सा अच्छा है, कौन सा मेथड बोला पहले, एनपीवी, एनपीवी जिसमें ज्यादा आएगा वो अच्छा, एनपीवी निकाल लेंगे। दूसरा क्या बोला है, पीआई पीवीसीओ डिवाइडेड बाय पीवीसीआई डिवाइडेड बाय पीवीसीओ, और आपका फेवरेट, ओहो सर यहाँ तो होश उड़ जाएंगे हमारे, ठीक। और 10% का रेट दिया, सुनो सुनो बच्चों क्वेश्चन कितना अच्छा, 10 का रेट दिया फैक्टर, क्यों दिया होगा, एनपीवी निकालना, पर भाई साहब 18 और 20 का भी दिया है, आईआरआर में यूज होगा 18%, याद करो हम एक बड़ा रेट लेते थे एक छोटा लेते, वहां सोचेंगे पहले एनपीवी तो करते। तो देखो आपको ढूंढना नहीं है, वो खुद ही निकाल कर दे दिया कि चलो 18 पे करो, पहले एनपीवी करे, लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। 10 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक। NPV का फॉर्मूला PVCI माइनस PVC, सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट ए, बताइए हर साल 4 लाख, थोड़ा सा ना सीधा फैक्टर ना लिख कर ना ऐसा लिख लिया करो अच्छा लगता है, 4 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, ऐसा लिखोगे तो प्रेजेंटेशन अच्छा, कितना परसेंट, कितना साल, 5 साल, और इसमें से माइनस कितना कर देंगे, कितने, 12 लाख। पर इसमें सैलरीज भी तो आएगा, ये तो पैसा आएगा प्रोडक्ट को बेचने से, प्लस इसमें सैलवेज भी तो आएगा, पर दिया नहीं है, ठीक। आप लोग इतने टेंशन में जाते हो, थोड़ा सा काटना क्या पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा लगता है यार पहले क्यों नहीं बताया, 10% का रेट दिया हुआ है, थ्री पॉइंट सेवन नाइन माइनस 12 लाख, तीन लाख 16,400 के आंसर दिया, 3,16,400। प्रोजेक्ट बी 5,80,000 इंटू
PVAF 10% पास साल माइनस 18 लाख कितना आ रहा आंसर 398780। सिर्फ एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि ये बोला है कि बताओ कौन सा एक्सेप्ट करे, इस तरह से कुछ बोला होगा, कौन सा बेटर है ये मांगा है। हाँ तो बताना पड़ेगा कौन सा अच्छा है। इसका एनपीवी है 316400, इसका एनपीवी है 398780, कौन सा अच्छा है? हायर। लेकिन एक बात मैंने बताया था कि इसमें कितना पैसा लग रहा है और इसमें तो कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं बताया था मैंने, वो बताया था अगर लाइफ अलग अलग हो तो, है ना। बताया था पर सुनो, वो मैंने कहा था वो पीआई में बताया था यार, एक में 10 लाख लग रहा है, इसमें 1 लाख, उसका लॉजिक बताया था, पर मैंने कहा करना तो एनपीवी के हिसाब से ही पड़ेगा। ठीक, कौन सा एक्सेप्ट करेंगे, प्रोजेक्ट बी। सर आपकी हाँ में हाँ नहीं लगाना, बिल्कुल प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेड आया एनपी। ये जो बुक है ना बेटे, इसमें सब है आपका एमटीपी आरटीपी और लास्ट के 2-1 साल के क्वेश्चन पेपर नहीं थे, वो मैंने पीछे डाल दिया क्वेश्चन पेपर भी। ठीक है, कुछ नहीं करना है और बाकी टेस्ट में देखेंगे, देखते क्या होता। अब हमको करना पीआई, तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीआई। और पीआई का फॉर्मूला है पीवीसीआई डिवाइडेड बाय पीवीसीओ, वो प्रोजेक्ट के 12 लाख प्लस 3,16,400 डिवाइडेड बाय 12 लाख। कोई मुझे इतना बता दो कि ये मैंने क्या किया। उसकी वजह क्या हो सकती है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ना तो इसका टोटल नहीं लिखा, अब मेरे पास था नहीं, तो या तो इसको मल्टीप्लाई करके सीधा लिख दूं, या तो मुझे मालूम है ये आया एनपीवी पॉजिटिव है तो इसमें इसको जोड़ दूंगा तो अल्टीमेटली यही तो आ जाएगा, तो मैंने वैसे किया। ऐसा इसलिए क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी। हाँ मुझे मालूम है ना कहाँ कहाँ जरूरत, ऐसे भी हो सकता, पर समझने की कोशिश करो ये है क्या, निकला क्या, ये पीवीसीआई तो है। ठीक है, हाँ मैं ऐसे इसलिए ऐसे बता रहा हूं, देखो यार ये हो गया उसमें से 12 लाख तो ये आया, इसका मतलब ये जो है ये इन दोनों को मिलाकर ही तो है, तो मैंने ऐसे कर दी। ठीक है जी, चले बी का करें। अब बता दो भाई, आपका दिल नहीं दुखना चाहिए। हाँ बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, मैं समझ गया, हिंदी समझता। 21 लाख। हाँ हाँ, मुझसे ज्यादा हिंदी अच्छी हो नहीं सकती। आप आगे चलते हैं, डिवाइडेड 18 लाख, बोलो कितना आ गया, 1.222।
अब पीआई के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट करोगे? ए, जिसमें भी हायर पीआई प्रोजेक्ट ए शुड बी एक्सेप्टेड. तो समझ लो 10 नंबर में से 8 नंबर का मैंने करवा दिया, 2 नंबर का तो आप कर ही सकते हो. चलो आईआरआर पे आ जाते, पहले प्रोजेक्ट ए का करते हैं ना. दस परसेंट से ऑलरेडी है तो उसमें हम वापस नहीं. हाँ 10% का एनपीवी तो पॉजिटिव दिख रहा है आपको, तो 10% का एनपीवी लिख के रख लेते हैं. ठीक, तो सबसे पहले लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर. मैंने बोला था पहला क्वेश्चन मैं खुद कर लूंगा. IRR is a rate at which NPV is zero. सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट ए. जब आपने डिस्काउंटिंग रेट लिया 10% एनपीवी ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना आया था यार 316400. आज मैंने टेस्ट लिया था सीए फाइनल के बच्चों का, एक्स इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो या एक्स, आप भी वैसे ही हो गए हो, जीरो है ना यार. उन्होंने उन्होंने एक्स किया था, एक्स हो जाता है, हो जाता है. आपके भी टेस्ट में समझ में आएगा मुझे. डिस्काउंटिंग रेट दूसरा कौन सा ले, 18%. तो दिखाना पड़ेगा, यहां सीधा नहीं निकाल सकते. कितना 3 लाख, कितना है हर साल का 4 लाख. सीधा फैक्टर लिख दो, फैक्टर होगा फैक्टर बता दो, इनटू 18 3.127 माइनस 12 लाख. भगवान एनपीवी नेगेटिव आ जाए, 50. तो भगवान ने नहीं सुना तो 20% पे सुनेगा या नहीं, 100% सुनेगा ही सुनेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट बेवकूफ नहीं है कि दो ही तीन ही तो रेट दिया उस. इंटू मुझे ये बताओगे फैक्टर, 2.91 माइनस 12 लाख नेगेटिव आ गया, कितना 3600. ठीक, तो अब क्या इंटरपोलेशन करना पड़ेगा हमको. अठारह परसेंट पर एनपीवी आ रहा है 50,800 और 20% पर एनपीवी आ रहा है 3600 नेगेटिव, जबकि हमको चाहिए एनपीवी जीरो. तो जैसे ही हम 2% से बढ़ाते हैं तो एनपीवी में चेंज आ जाता है 54. पर हमको इतना थोड़ी चेंज करवाना है, हमको तो सिर्फ 50,800 रुपए का चेंज करवाना है, डाउन करवाना. तो आ गया आईआरआर हमारा
18 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 2 के लिए कितना 54,400, तो 50800 के लिए कितना? एट सेवन ले लूं क्या? ये 2 ये वाला, एटीन प्लस 2 क्यों लिया? यूनिटरी मेथड लगा रहा, 2% इतना रुपए चाहिए 2% के लिए, तो इतना कितने के? ऐसे ही आप करने जा रहे हो प्रोजेक्ट बी का। हाँ ऐसे ही IRR निकाल रहे हो प्रोजेक्ट बी। कितना आंसर? 10% एनपीवी और 20 का भी नेगेटिव आ रहा है, तो उन दोनों का इंटरपोलेशन करके फाइनल आंसर। हाँ निकाल लो। ठीक है, चलो। तो IRR उतना मुश्किल नहीं है, मालूम है, एक दो बार प्रैक्टिस होगी ना हो जाएगा। कुछ बच्चों का कहना सर पॉइंट के बाद कितना डिजिट लिखना, 2 लिखेंगे परसेंटेज में चल जाएगा डेसिमल के। जहां जहां लगेगा कि होमवर्क दे देना चाहिए वो क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे, वैसे भी घर में बोर होते हो तो कम से कम होमवर्क कर लो। जिसमें ज्यादा कमाओगे प्रोजेक्ट ए ड्यू टू हायर IRR। हाँ वो ज़्यादा अच्छा।
कॉन्सेप्ट कॉपी अलग नहीं बनाना, जो मैं कॉन्सेप्ट लिख पा रहा हूँ, जो एग्जांपल्स लिखवा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, उसकी एक ही कॉपी रहेगी। हाँ, सब सब एक ही साथ रख लिखना। जहां बोलूंगा होमवर्क वो अलग कॉपी, क्योंकि होमवर्क कॉपी को हम दोबारा नहीं देखेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रहेंगे बस मेरा ये। हाँ, जो रिपीट रहेगा उसको वैसे भी हम काटने वाले हैं, पर घर जाके प्रैक्टिस के लिए ठीक रहेगा वो, ठीक, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चले जी आगे। अब इसमें बच्चों का डाउट, पहला नंबर, एनपीबी के हिसाब से कौन सा अच्छा है मशीन? डी। एआई के हिसाब से, आईआरओ के हिसाब से? तो बच्चे का कहना सर कौन सा खरीदेंगे, हाँ तो जवाब होगा एनपीबी के हिसाब से ए, आईआरओ के हिसाब से बी। ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, ठीक है? फिर बोलता नहीं सर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कैसे करेंगे, छोड़ दो यार, कहाँ प्रैक्टिकल, फाइनल में आके बात करेंगे ना, अभी कहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में, यहाँ से होगा फाइनल में भी तो कैपिटल वेस्टिंग है आपका। चलो जी, क्वेश्चन नंबर टू, और सिर्फ आईआरआर निकालना है। एक बार मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप मुझे बताना कैसे करना है। किसके भाई, मशीनरी खरीदना है, कैपिटल कॉस्ट कितना है 3 लाख, लाइफ ऑफ मशीन कितनी है 5 साल, सैलरीज कितना है, तो मशीन विल प्रोड्यूस द नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन 68,000। क्या दिया हुआ है 68,000 मतलब? प्रॉफिट पक्का, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया ना यार, टैक्स का विषय में कुछ बोला नहीं है, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, और टैक्स रेट भी दिया है 45%, तो फिर टैक्स वैक्स माइनस कर देगा पक्का, और ये डिस्काउंटिंग रेट दे दिया है, पता नहीं क्यों इतना सारा दिया है, और ये डिस्काउंट रेट 14% पे ये पी वी ए एफ क्यूमुलेटिव वाला दिया, ठीक है, हर साल का एक जैसा आएगा सी एफ ए टी, और हमको क्या निकालना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और ये नहीं पूछा एक्सेप्ट करे कि रिजेक्ट, बस आप आईआरआर निकाल लो बोला बस। तो सबसे पहला काम है हमको आईआरआर में किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सी एफ ए टी, अच्छा, और पे बैक पीरियड में उसमें भी सी एफ ए टी, तो हर जगह कैश फ्लो आफ्टर टैक्स लगता है सिर्फ एक जगह के अलावा, उसका नाम क्या है, 6 मेथड में से एक मेथड ऐसी जिसमें एयर उसमें पैट लगता है, बाकी जगह क्या लगता है, सी एफ ए टी। तो चलो काम करें, पहले वर्किंग नोट नंबर 1 डाल दें, ये सब आपके स्टडी मैट के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये वाले स्टडी मैट में है। तो सबसे पहला काम होगा कि हमको दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 68,000, इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, और टैक्स का रेट कितना है जी 45%, 30,600, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना 37,400, और इसमें प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन 360,000 डिवाइडेड बाय 5, तो जो आ गया 109,400, इसका नाम है टीपैट, ठीक। अब काम क्या करें, आईआर पहला डिस्काउंटिंग रेट कौन सा ले, पंद्रह और 16 के दिख तो रहा है, इतना दिमाग यार थोड़ा सा सोचो, 13 लगे कुछ नहीं होने वाला है, 15 और 16 के बीच में आएगा, आप भी जानते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ एरर। अरे भाई यार कैलकुलेटर ही तो चलाना है, लिखना थोड़ी है, तो कैलकुलेटर चलाकर देख लो। कैलकुलेटर चलाकर देख सकते हो ना कि एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, यहां भी पॉजिटिव आएगा, यहां भी पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, तो दो रेट ले लेंगे हम लोग। चलो फिफ्टीन पॉइंट सेवन फोर के आसपास आएगा थोड़ा सा, ठीक है 7.4 चलेगा। किसने ये कहा कि जिसने, मैंने तो बुक बनाया कॉपी पेस्ट किया, तो हो सकता मेरे टाइपिस्ट ने गलती कर दी, उसको हम ठीक कर दिया। 100% लॉजिक है भाई, कभी भी फैक्टर कम होते जाता है, कम होते, यहाँ गड़बड़ है, आप भी जान रहे हो कि गड़बड़ है, हालांकि जानने आपने जाना ही नहीं, पर यहाँ गड़बड़ है। 1/1.15 कितने साल, 1, 2, 3, 4, 5 जीटी 3.35 मतलब 14 वाला गड़बड़ होगा। 1/1.14 1, 2, 3, 4, 5 3. देखा, बताया ना टाइपिस्ट से गलती क्या हो सकती है, 3.43 उसको 3.4 कर दिया। किस्मत बहुत जोरदार आपकी, 14 किया ही नहीं यूज, 14 यूज ही नहीं हुआ, बच गए। हाँ नहीं अच्छा है, ये बुक में ठीक करो, करती है कि ये बुक काम आएगी मेरे। ठीक है
आश्चर्य नहीं लगा होगा कि आप 14 पे भी उतना ही आ रहा, 15 पर भी उतना ही, थोड़ा सा ही अंतर आया होगा बस। हाँ सुनोगे, हो गया सबका निकल गया यार। अब यार यही 15.74% निकालने का और एक तरीका, वो जो आपने निकाला बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर कुछ नया आ जाए, वो नया अगर कोई कॉपी दिखाए और हमारी समझ में ना कि यार ये क्या किया हमको नहीं मालूम, वो बात नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे को हर चीज पता होना चाहिए कि यार कहाँ से क्या किया। तो हमको ये मालूम है कि IRR एक डिस्काउंटिंग रेट है जिस पर बोलो PVCO इज इक्वल टू क्या होता है, PVCO मतलब यार पैसा कितना जा रहा है आज 3,60,000, और पैसा हर साल कितना आ रहा है 109,400, और इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, एनुअली फैक्टर कितने परसेंट, ये तो नहीं मालूम, कितना साल, 5 साल। तो क्या आप PVAF फैक्टर बता सकते हो कि कौन सा वाला फैक्टर आएगा, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 109,400, कितना, 3. दो डिजिट में बोलो, 3.29। दो डिजिट क्यों बोला मैंने, क्योंकि फैक्टर कितना डिजिट में है, दो, तो दो में बोला। अब ढूंढो ये 3.29 किस किस के बीच, 15 और 16 के बीच में। अब देखना चाहता हूं 15% पे क्या फैक्टर है, 3.35। अब जरा लगाना यहां दिमाग, ठीक, 16% पे फैक्टर कितना है, 3. मुझे फैक्टर क्या चाहिए, 3.29। जैसे ही हम 1% से बढ़ाते हैं तो यार फैक्टर कम होता है, यही तो सीखा हमने, कितना कम होता है, यहां से यहां 0.08 पर फैक्टर। हमको इतना थोड़ी ना कम करवाना, हमको तो यहीं तक पहुंचना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.06। तो अब IRR आ गए आपका 15 प्लस 1 के लिए 0.08 इंटू 0.06, आंसर कितना आ गया फाइनल, 15.75% लगभग वही। हाँ लेकिन ये कब चल सकता है पता है ना, जब ये दिया है, अगर ये दिया ही नहीं है तो फिर तो वही बचा हमारा ब्रह्मास्त्र। पर कोई भी बुक देखोगे या फिर कुछ देखा आपने गलती से ऐसा देख लिया, तो आप डरना मत कि ये वही चीज, बस मैंने फैक्टर लेकर कर दिया। और कितने बच्चे, ठीक है ना सर कर लिया, अब आगे बढ़ो, मतलब नोट भी कर लो, थोड़ा सा काम आ सकता है, अल्टरनेटिव करके नोट कर लीजिए। जो CMA वाले बच्चे होते हैं उन लोगों को ये फैक्टर हमेशा दिया रहता है, तो वो लोग ऐसे ही करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता आपको भी आएगा फाइनल में, फाइनल में।
हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिले। मैं होमवर्क देने वाला था पर जैसे ही देखा तो मैं जानता हूं ये क्वेश्चन सीखने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये समझ में आने लगा ना, ये देखो कितना मतलब आपको टेंशन नहीं लेना, ये फैक्टर दिया रहता हर क्वेश्चन के साथ एग्जाम में, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि बहुत सारे बच्चे होते सर 10% ले लिया IRR के लिए, फिर कितना लेना कैसे पता लगेगा, आप ये सब दिया रहता है। चलो देखो, कंपनी इज कंसीडरिंग प्रपोजल, इक्विपमेंट खरीदना है और कितने का है भाई, पैसा कितना जाएगा 6 लाख, और वर्किंग कैपिटल का भी कितना जाएगा 80,000। वर्किंग कैपिटल मतलब हाँ डे टू डे के लिए, जैसे स्टॉक में पैसा लगेगा, कुछ कैश रखना पड़ेगा इसके लिए। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल तो पढ़ा नहीं है एफएम में, तो हम लोगों ने वर्क तो आप कहीं ना कहीं तो वर्किंग कैपिटल पढ़ा होगा ना। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट कितनी है 5 साल, सर्विस कितना है 0, और डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है SL। एस्टिमेटेड बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो, आकीवन बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो, नाम बोलो अच्छा सा इसका, मतलब बिफोर टैक्स है ये तो पता लग गया, कैश फ्लो है और बिफोर टैक्स है, तो CFBT। इसमें से क्या माइनस करना होता है डेप्रिसिएशन, वो तो हमको क्यों, और रुपीज इन 1000 में दे रखा है, ठीक है जी 0-0 लगाकर करेंगे हम कुछ। टैक्स का रेट है 35%, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 12%, आपको निकालना है डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड, वो मैंने आपको करवाया हूं कि नहीं करवाया हूं, डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड करवाया, खैर यहां कर लेंगे पेबैक पीरियड, एनपीवी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, 4-4 चीज मांगा। क्योंकि मुझे कुछ चीजें सिखानी है इसलिए मैं सबसे पहले एनपीवी करवा रहा हूं, ठीक, तो उससे सब कुछ भी कर लो आप, ARR तो मांग नहीं रहा है तो यार सब चीज के लिए हमको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स की जरूरत पड़ेगी, तो पहले तो वो निकाल ले फिर सोचेंगे क्या करना। क्या हर साल का अलग अलग आएगा कि एक जैसा है, अलग अलग आएगा क्योंकि CFBT अलग अलग दी है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ CFBT, हाँ जी CFBT तो यार हर साल का अलग अलग आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव, और दिया है हमको CFBT, 0 लगाकर करना है, ठीक है, तो 240,000 है, फिर 275,000 है, फिर 210,000 है, और फिर 180,000 है, और फिर 160,000 है, में से माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का मेथड है SLM, डिवाइडेड
21 ठीक है, सर्विस तो है नहीं, अच्छा इसमें तो वर्किंग कैपिटल भी, उसका कुछ नहीं करना, मजाक कर रहा हूँ, तो डरते क्या, मुझे समझ में नहीं आता। 1,20,000 अब आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये आ गया 1,20,000, 1,55,000, 6,000, 60 और 40। टैक्स और टैक्स का रेट है 35%, 42,000, 54,250, 31,500, 21,000, 14,000, तो ये आ गया CF80 2,40,000, 1,98,000, 220,150, 178,500, 1,59,000, 1,40,000, 1,40,000। अल्टरनेटिव आप पीबीटी निकाल के, सॉरी पीएटी निकाल के डेप्रिसिएशन ऐड बैक करो, इतना ही आंसर आएगा। पर मुझे मालूम पैट की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने सीधा कर दिया। चले अब निकालना है एनपीवी, और एनपीवी में इस बार क्योंकि मुझे कुछ सिखाना है तो प्रॉपर टेबल बना के करवाऊंगा। यहां भी निकाल सकता हूं, मुझे नहीं निकालना, प्रॉपर कुछ समझाना, इसलिए काम करो। लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, एनपीवी पहले करवा रहा हूं, है ना। Year, present value factor, कितना परसेंट के हिसाब से निकालना हमको, डिस्काउंटिंग रेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसे शब्द लिखे होगी कहीं, 12% ठीक है। ठीक, ये टेबल तो हमने पहले भी बनाया है। नहीं, आराम से, धीरे धीरे, मेरे पास तो क्या है, मुझे ये बार बार देखना पड़ता है ना, इसलिए मैं साइड में कर देता हूँ, यार यहाँ से देख के फटाफट से कॉपी कर लो।
कुछ बच्चे और भी बोलते हैं कि सर प्रॉपर प्रेजेंटेशन तो ये हुई कि मेन सॉल्यूशन पहले रहे और उसके बाद वर्किंग नोट रहे, जो बोलता वो एग्जाम देकर देखे, वहां तो पता नहीं लगता क्या बनाना भैया, जो आता वो बनाओ ना यार, कहाँ आपने बोलना अलग बात है, एग्जाम जो देता ना उसको पता है क्यों कैसा उठ लो। वॉश टॉप मशीन, पैसा कब जाएगा? आज मशीन खरीदोगे? कितने का खरीद रहे हो यार? 6 लाख फैक्टर 1 का 1 ही रहेगा और 6 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लाख ही। इसके अलावा आज ही पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए भी तो जा रहा है, तो वो भी तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा। जीरो वन वर्किंग कैपिटल कितना जा रहा है? 80। तो टोटल मिलाकर ये हो गया हमारा पैसा आज जा रहा है 6,80,000। तो बताओ मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल का मतलब आज कितना पैसा? 6,00,000 या 6,80,000। 6,80,000 ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने बोला क्यों मालूम है? क्योंकि जब आप पे बैक पीरियड करोगे या डिस्काउंटिंग पे बैक, तो कितना पैसा रिकवर करने का सोचोगे? 6,80,000। ठीक है, कैश इनफ्लोस और CFAT और वर्किंग नोट नंबर 1 ऑलरेडी बनाया हुआ है आपने, तो यहाँ आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और फैक्टर भी दिया होगा 12% के हिसाब से। 4 डिजिट में दिया तो 4 ही लेना है ना, 0.8929 0.7972। गलत क्वेश्चन देख रहा हूँ क्या? क्वेश्चन पूर्वी क्लास के बाद मिलना, 7972 मैं 3 बार देखा कि यार मैंने कैसे गलत देखा। 0.7 फिर मैंने ना दूसरा क्वेश्चन देखना स्टार्ट किया, हो सकता मैं गलत देख रहा हूँ। 7118 63 55 56 74 CFAT तो ऑलरेडी हमारा निकला है 1,98,000।2,20,750,1,59,000 और 1,46,000 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाते। नहीं मुझे अलग अलग चाहिए। 1,7,6,7,9,4 1,7,5,9,8,2 1,2,7,0,5,6 1,0,1,0,4,5 and the last 8,2,8 हाँ एक बार देख लेना फिर मैं आपको समझा।
चलो अब मुद्दे की बात जिसके लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे थे टेबल में, टोटल मार्क निपटा तो नहीं दिया क्वेश्चन, इधर खेल है ना। अच्छा जगह खत्म हो गया, चल जाएगा क्योंकि इधर इधर कुछ चीजें आनी है अभी, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं, उसी के लिए तुम्हें कर रहा हूं। और एनपीवी भी निकाल लेते और आंसर ही मैच नहीं होता, टोटल कर दिया था। अब सुनो भाई, मशीन जो है वो पांचवें साल में बेचोगे तो उससे भी तो पैसा आएगा, अच्छा सेल्वेस नहीं दिया, ये क्या चक्कर है वर्किंग कैपिटल? इसका मतलब ये है कोई भी दुकान ले लो, मिठाई की दुकान, 31 मार्च को पूरा स्टॉक निकल जाता है, ऐसा बोल रहे हैं, वो तो बचता। इट मीन्स आप कह रहे हो कि पांचवें साल जो मैंने माल बेचा बेचा और पूरा ही खत्म हो गया। मिनिमम स्टॉक होता है वो आपका हमेशा मेंटेन करना होता है, वो कब निकल रिकवरी हो जाता है, वो लास्ट में रिकवरी होता है, जो सेल वगैरह हो रहा है वो तो अब चलो ठीक है अभी की बात। ये स्टॉक ये जो दिख रहा है ये पैसा वर्किंग कैपिटल का पैसा आपका हमेशा फंसा रहता है लास्ट में। डेटर समझते हो, वैसे वर्किंग कैपिटल पढ़ाया नहीं ना इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, पर फिर भी मैं मुझे बताओ डेटर्स का मतलब क्या होता है, इससे पैसे लेने हैं। मान लो डेटर्स से मुझे 2,00,000 रुपए लेने हैं, ये पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे? मिलेगा। कब मिलेगा? जब मैं बिजनेस बंद करूंगा तब। मजा नहीं आ रहा मुझे ऐसा लग रहा। मैं एक महीने के लिए उधार देता हूं किसी भी पर्सन को कि भैया अगले महीने आना और पैसे दे देना, प्रोविजन शॉप वगैरह हम जो चलता है हमारा अकाउंट चलता है जहां भी वो ऐसे ही होता है। इस महीने उधार लिया, अगले महीने सैलरी आई, पैसे दिए और फिर और कुछ करते हैं क्या? पैसे देके वापस से जाते कि और कुछ करते? अगर मैं शॉपिंग मॉल की बात नहीं कर रहा हूँ या बिग बाजार वहां की नहीं, जनरली हमारे आउटसाइड जो दुकान रहती है जहां हमारा अकाउंट चलता है, जैसे उसने मुझे यहां एक महीने का 10,000 का माल उधार दे दिया और मुझे पेमेंट कब करना है? एक महीने बाद। तो इट मीन्स मेरे डेटर्स कितने के खड़े हैं अभी? 10,000। ये 10,000 मुझे कब मिलेंगे? एक महीने बाद। तो एक महीने बाद पैसे देकर चला जाता होगा या फिर उधार ले जाता होगा? फिर उधार ले जाता। तो बोलो ये पैसे मिले कि नहीं मिले? मेरी नजरों से देखो मिले ही नहीं। अल्टीमेटली तो वही बच्चे डेटर्स है कि नहीं है बताओ, है क्या ये हमेशा रहेगा? हाँ हमेशा रहेगा, आप समझने की कोशिश करो मेरे, हमेशा रहेगा। ये पैसा तो तभी रिकवर होगा जब पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा, नहीं तो ये तो चलते रहेगी हमेशा। आप किसी, आपको ऐसा लगता है डेटर्स से पैसे मिल जाते हैं ईयर एंड में? लोगों को ये लगता है, तो किसी भी साल की बैलेंस शीट उठाकर देखो क्या उसमें डेटर्स मिलेगा आपको? हाँ डेटर्स रहेगा ही रहेगा हमेशा। तो अकाउंटिंग क्या बोलता मुझे, मतलब मैं कैश की बात करूं तो मेरा कैश हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाता है। स्टॉक आपको ऐसा लगता है सर जो स्टॉक लाते हैं वो निकल जाता है तो फिर और स्टॉक भरना पड़ता है, स्टॉक तो रहता है। तो इट मीन्स ये जो दिख रहा है वर्किंग कैपिटल जो 6,00,000 रुपए दिख रहा है, ये सॉरी 80,000 है, ये रिकवर होगा। हर साल होता है पर वो हमको दिखता नहीं है क्योंकि यार निकल जाता है। हालांकि वर्किंग कैपिटल करंट एसेट का मतलब बोलो एक साल में पैसा रिलीज हो जाता है कि एक से ज्यादा करंट एसेट्स एक साल के अंदर अंदर? तो फिर अगर मैं बोलूं कि पैसा वर्किंग कैपिटल का पैसा कब लगा है? आज। और वापस कब मिलेगा? पांचवें साल में। तो आपको अजीब सा लगेगा, एक्चुअल में ये अजीब सा नहीं है, निकल जाता पर फिर लग जाता, ठीक है? तो लास्ट में ये जो पैसा फंसा है ये वापस रिकवर होता है, ये हमको हमेशा याद रखना। वर्किंग कैपिटल के विषय में कुछ ना बोले शुरू में लगेगा, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले लास्ट में रिकवर होगा। इट मीन्स यहां और एक चीज आएगी जिसका नाम रहेगा वर्किंग कैपिटल। और मजा आ रहा था और समझाओगे कि हाँ एक चैप्टर ये वर्किंग कैपिटल, वहां तो बहुत डिटेल में ये वर्किंग कैपिटल का पैसा रिकवर हो जाएगा कितना? 80,000। और कौन से साल में आएगा? फिफ्थ ईयर, 0.56।
ठीक है, तो बताओ अब टोटल कितना आ रहा है, अब कर सकते हैं 709 ठीक है, एनपीवी निकल जाएगा। ये हो गया भाई टोटल हमारा ए, और ये हो गया टोटल हमारा बी, एनपीवी आ जाएगा। बी माइनस ए 709109 माइनस 680,000, तो कितना आ गया एनपीवी 29109। ठीक है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट, तो यहां क्या लिखेंगे, ऐसा बोला है नहीं बोला तो क्यों जबरदस्ती ज्ञान नहीं देंगे हम 100%। अगर नहीं बोला तो नहीं लिखेंगे भाई, कैलकुलेट बोला तो बस कैलकुलेट करके लिख देंगे। ठीक, हालांकि हमको मालूम है कि पॉजिटिव है। अभी सुनो मेरी बात, समस्या कहाँ जाएगी मालूम है आपको, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड, फिर उसमें क्या है बोलो, पैसा कितना लगा है आज 80, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड में ये वाला लेना कि ये वाला लेना, डिस्काउंटिंग में ये वाला नहीं लेना ये वाला लेना, तो देखो 680 कब तक जमा होगा, एक बार कैलकुलेटर में ही हो जाए, इस 680 तक पहुंचना है ना, हाँ 680,000। और लास्ट का कैश फ्लो कितना है, चार साल से तो भाई चार साल तक तो नहीं आया ना, चार साल तक 680 आया कि नहीं आया, नहीं आया, मतलब पांचवें साल में पहुंचना पड़ेगा, तो पांचवें साल का कैश फ्लो मालूम है कितना लेना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़कर लेना पड़ेगा। आप पांचवें साल का ये मत ले लेना कि अलग अलग, ये दोनों मिलाकर पांचवें साल का, मैं करवा रहा हूं 100% आएगा, क्योंकि ये तो टोटल मिलाकर 7,686,000 से ऊपर पहुंच गया, तो आना ही आना है, कोई बात नहीं। चलो करते मेरे साथ साथ करते कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड। एक कॉलम जो रहता वो रहता ईयर, एक कॉलम रहता प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CF8A लिख रहा हूं क्योंकि हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है, और एक आएगा हमारा क्यूमुलेटिव CF8A। और याद रखना हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 680,000, यहां ऊपर लिख दिया ताकि मुझे याद रहे। तो यार पहले साल में 1,767,794, तो 1,767,794। दूसरे साल में 1,759,882, B52,776, तो तीसरे साल में आ गया 1,270,554,798,31, तो फोर्थ ईयर में 1,050,580,876। अब फिफ्थ ईयर में ध्यान से काम करना, इन दोनों को टोटल कर,
क्योंकि ये भी पांचवें साल का कैश फ्लो, ये भी पांचवें साल का। तो 82841 प्लस 45392, तो यहां लिखना 128233। और कहीं लिख लेना कि कहां से आया है, पता लगा फोन लगाओगे मुझे। हाँ स्टार लगाकर लिख दो, स्टार लगाना आता है, बनाना आता है, ऐसे आता है। तो ये तो इतना ही आ जाएगा सर, 709109, तो यही आना है। तो अब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड इज इक्वल, कम से कम कितना साल लगेगा, 4 साल प्लस कुछ, तो ये आंसर आ जाएगा। अब वो कुछ आप देखो, हाँ वो आपको संभालना पड़ेगा। ऊपर क्या लिखूं? नहीं, हाँ ऐसा तो हम कर लेंगे, ऊपर मैं 1 ही लिखूंगा ना, और आ कितना रहा है 128233, एक साल में इतना आ रहा है, पर मुझे इतना थोड़ी नहीं चाहिए भाई। तो यहाँ इंटू करना पड़ेगा, सवाल है कि यहाँ इंटू ये क्या आएगा, ये डिफरेंस इससे कंपैरिजन करेंगे ना, 680, 680000 माइनस 580876, तो ये आ गया 99124, कहीं लिख लेना भाई कहां से आया है ना, आंसर आ जाएगा। फोर पॉइंट सेवन सेवन थ्री इयर्स, तो इस क्वेश्चन में सीखने वाली क्या बात थी, वर्किंग कैपिटल, पेबैक पीरियड भी काम का था और ये भी काम का है। और एक चीज निकालना है आपको, और क्या बचा है यार, पेबैक पीरियड, दोनों में अंतर है, पेबैक पीरियड तो निकाल ही लेते हैं फिर आईआरआर का सोचते। पेबैक पीरियड में हमको किसको लेना पड़ेगा, ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला है ना, बिना डिस्काउंटिंग। पेबैक पीरियड 4.773 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, ये निकला डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड, तो पेबैक पीरियड कम आएगा कि ज्यादा आएगा, मतलब 4.773 से ज्यादा, यार कॉमन सेंस है वो तो कोई भी लगा सकता है। निकालो, मुझे सोच के बताओ, ये ज्यादा कि ये ज्यादा है, ये मतलब पैसा जल्दी रिकवर होगा, हाँ कम आएगा। वो तो निकालने से पता लगेगा, लेकिन यार आप खुद सोचो, बात समझ में आ जाएगी, इधर से तो जल्दी पैसा रिकवर होगा ना। इन्होंने कहा छोड़ो ना यार, जाने दो, मैं निकाल ही लेता हूं। और जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो बिल्कुल मतलब गलत बता ही नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने आंसर होगा, वो जल्दी से बता देंगे सर कम आएगा कि सर। लास्ट तक पहुंच रहे हो आप, अगर पहुंचते तो 100% कंसिडर। बुक में दिया है क्या आंसर? ठीक है।
मंथ्स, अच्छा वो मंथ्स में दिए, आप इयर्स में कर दीजिए कुछ। हाँ जी सॉल्व करना पड़ेगा। आप तो ये सर कास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता मजा आ जाता। थ्री पॉइंट फाइट गया, एक बार और हिम्मत दिखाओ, क्या बच गए यहाँ? वाह आप तो एक्सपर्ट। हाँ यहाँ तो आपको हर साल से करना पड़ेगा, हर साल का फैक्टर अलग अलग है ना, पेबैक पीरियड निकल गया ना सभी लोगों का 3.5। अब देखो 12% पे तो ऑलरेडी आपका एनपीवी निकला हुआ है, तो अब बचा क्या 14 और 15। क्या लगता है कौन सा ले? लेना तो दोनों ही पड़ेगा, दो रेट दिया है तो चलो काम करें, पर टेबल नहीं बना रहे, एक लाइन में काम होगा ही बस। चलो कैलकुलेशन ऑफ आईआर ज्यादा गैप होगा तो आपका एरर आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेशन से और थोड़ा दूर आएगा एग्जैक्ट आंसर से। देखो गए कैलकुलेशन ऑफ आईआर तो आपका शायद आपने कितने परसेंट पे ऑलरेडी निकाल चुके हो 12%, तो सीधा कितना परसेंट पे लेते हैं 14%। तो बस मुझे बता दे देना 14% का मैं सीधा उठा रहा हूँ। पहले साल का कितना है 2,40,000 नहीं ईएफटी तो हमारा दूसरा ही निकला था यार 1,98,000 इंटू 0.8772 प्लस 1,22,0750 इंटू 7,695 1,58,500 0.6759 1,51,1,46,000 0.5194 -6,80,000 तो गलती हो सकती है कि आप वर्किंग कैपिटल भूल जाओ। आईआरआर आया 13.7 मतलब आप करते जाइए, मैं तो आंसर देख के कॉपी कर दिया।
नेगेटिव आ गया है? हाँ नेगेटिव ही आना था, 12 और 14 के बीच में तो आंसर आ रहा, बच गया। नेगेटिव कितना आ रहा है? 2, 4 पक्का? फोर फोर थ्री। और हमारा इंस्टीट्यूट इतना अच्छा है क्योंकि मालूम है बहुत ज्यादा बड़ा है ना, तो 15% पे पहुंचने दी नहीं दिया उसने, कहा कि चलो आप कर लो 12 और 14 के बीच में। चलेगा, 0.25% का एरर चलता है, पर फिर सभी का, क्योंकि यार सब हम यही, सब तो यही ले रहे हैं, तो फिर सबका एक जैसा आंसर आना चाहिए। 13.74 ठीक है, 74 लिख दूं। ठीक है, 13.74% ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने हैं 10-10 नंबर के। पिछले बैच में ना बच्चे बोलते थे सर अब बहुत हो गया बाद की क्लास खत्म करते हैं, तो मैं कहता था एक पेपर में साइन करके दे दो कि कोर्स अगर लेट से होगा तो आप खुद जिम्मेदार होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। आप गलती से भी ये नहीं बोलोगे कि सर बहुत हो गया करके, ऑप्शन नहीं है आपके पास, 15 अगस्त से पहले हमको खत्म करना है। आप ना मुझे बस इतना बताना क्या आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, एक बार रीड कर दे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्योंकि ना मुझे बस एक ही जगह शक है
आपसे ये नहीं होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन का मेथड ना WDV नहीं दिया। हाँ तो क्योंकि प्रॉब्लम है कि WDV मेथड दिया है तो आपसे मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। मांगा क्या वैसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और क्या मांगा है NPV हो जाएगा। गड़बड़ एक ही जगह होगा मैं जानता हूँ कहाँ होगा मुझे मालूम है। एक बात बस मैं बताना ये बस डिस्कस कर रहा हूँ ये जो है ये लिखा क्या अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स PBT हाँ एक्सपेंसेस माइनस है CFBT मतलब एक्सपेंसेस सारे माइनस पर एक्सपेंसेस दिया भी नहीं तो नहीं है ना यार तो CFBT है। अब इसमें से पहले क्या माइनस होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे 400 लाख 400 लाख का कितना परसेंट 20% क्या हर साल का डेप्रिसिएशन अलग अलग रहेगा तो उस हिसाब से फिर हम CFAT निकाल लेंगे। अब जब NPV निकालोगे तो हर साल का CFAT ये तो आएगा ही लेकिन पांचवें साल में सेल्वेज भी तो आएगा वो सेल्वेज भी तो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि वो भी मशीन बेचने से पैसा आता है तो वही चीज है जो आप नहीं ले पाओगे तो वो दिक्कत है। सेल्वेज आएगा कि नहीं आएगा इसमें लिखा तो है द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर पीरियड मे बी टेकन एज जीरो तो बताओ सेल्वेज आएगा कि नहीं। सेल्वेज को इंग्लिश में बोलता हूँ टर्मिनल वैल्यू। वो जीरो आएगा पक्का WDV मेथड है याद है एक एग्जांपल किया था हमने वो चीज है यहाँ वो चीज है टर्मिनल वैल्यू आएगा आएगा तो फिर पांचवे साल वो भी लेना होगा आपको। सेल्वेज वैल्यू आफ्टर टैक्स ऐसा बोल रहा हूँ हाँ इस टाइप का लेकिन बस आपको इस क्वेश्चन में आप नहीं लेते मैं आपसे ये बोल रहा हूँ आप बहुत स्पीड से निकलते ये पढ़ते वाओ सेल्वेज वैल्यू लिखा है पांचवे साल में जीरो तो खत्म बस यहाँ लेना है बस मैं बोल पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं लिए थे यार हाँ आगे जाओ तो पीछे का समझ में आता SLM था मैं टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्यों नहीं लिया था सर्विस। अच्छा ये पढ़ लेते थे विदाउट एनी सेल्वेज तो आप भी जोश में आके बोलते थे सर सेल्वेज जीरो लेकिन वो तो आप यहां भी तो बोल सकते थे पर यहां सिर्फ और सिर्फ यहां मेथड कौन सा था SLM मेथड इसलिए बच गया। तो लास्ट में जब हो जाता है कैपिटल वेस्टिंग तो बच्चों का एक ही डाउट अब कैपिटल वेस्टिंग हो जाता तब नहीं जब रिवीजन करते फिर फोन आता है सर मतलब यार समझ में नहीं आ रहा किसी में टर्मिनल वे ले रहे हो किसी में नहीं ले रहे हो मतलब अपने किस में लेना है किस में नहीं लेना है। तो सुनो सुनो बच्चों सुनो मेरी बात सुन लो मैं बता रहा हूँ क्या सीन है मैं पूरा पिक्चर बता रहा हूँ कि लास्ट बैच में क्या हुआ था। मैं बोलता था लिखवा देता हूँ तो बहुत सारे बच्चे सर मत लिखवाओ ना सर समझ में आ गया जबरदस्ती क्यों टाइम पास कर रहे ठीक है मैं बोलता लिख लेते टर्मिनल बोले नहीं लिखते और फिर बाद में बच्चों के डाउट्स आए बहुत सारे बच्चों की सर वो कैसे कवर कर लेना मैंने कहा याद करो वो अतुल क्या बोल रहा था मैं लिखवाने वाला था तो अतुल बोला सर रहने दो ना हो गया अब फंस गए अभी भी आप क्या बोल रहे हो सर समझ में आ गया बाद में क्या बात है तो सुनो वो लिखवाएंगे हम लोग लिखेंगे पर पहले इसको मैं दे रहा हूँ होमवर्क आंसर लिखा हुआ है आंसर ठीक हाँ जी हाँ जी सॉल्यूशन अगर किसी का नहीं आ रहा तो वो शेयर कर देगा ग्रुप में इंसल्ट हो तो हो हाँ इंसल्ट हो तो हो कोई दिक्कत नहीं है पर अगर नहीं आ रहा होगा तो भी शेयर कर देगा हाँ पूछ लेंगे। दूसरा ये शब्द क्या लिखा है रुपीज वन क्या है भाई हाँ
लेकिन ये ऐसा क्यों लिखता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज वन, ऐसा इस तरह से क्या शब्द लिखा क्या है? हाँ मतलब सर जो एक रुपए फ्यूचर में मिलेगा उसके लिए आज मुझे बैंक में 0.91 जमा करना पड़ेगा, ये बताना चाह रहा है। एक रुपए कब की वैल्यू है? फ्यूचर की। उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है 10% के हिसाब से? 0.91। होमवर्क है जी, पूछते जा रहा हूं बस, मुझे जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क दिया है, कौन सी कॉपी में करोगे, होमवर्क की क्लास वर्क? मेरे हिसाब से क्लास वर्क कॉपी में होना चाहिए। क्यों? उसकी वजह मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये शब्द है और टर्मिनल वैल्यू भी आ रहा है, तो कुछ नई चीज है तो क्लास वर्क में होना। जो ऐसा बिल्कुल फालतू क्वेश्चन लगेगा ना उसको होमवर्क में डालें। चलो अब ये पढ़े, दो प्रोजेक्ट है, कितना पैसा लग रहा है 1,35,000 ए में और 2,40,000 बी में, कोई स्क्रैप वैल्यू है क्या? तो टर्मिनल वैल्यू अभी नहीं मालूम, अभी नहीं मालूम, अभी नहीं पता, अभी पढ़ी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 16%, मतलब ये यार डिस्काउंटिंग कर दें। और एनुअल इनकम्स आर, ये क्या दिया हुआ है? इनकम। अच्छा आप जो बोलोगे मिले, हाँ बोलो क्या कहना चाहते भाई, आपके पास ऑप्शन नहीं है, पीबीटी है या सीएफबीटी है या तो पीएटी है या सीएफएटी है, चार ही चीज है। आप कैश फ्लो बोल देते तो मैं खुद ही फंस जाता हूँ क्या लिखूं करके, सीधे साफ सीधी बोल। हाँ बोलो ना यार, एनुअल इनकम से शब्द लिखा हुआ, एनुअल इनकम पीएफ एटी, ठीक। अगर जो बोल रहा है कि सीएफबीटी है तो भाई टैक्स ही नहीं दिया है, पर डेप्रिसिएशन तो माइनस करना पड़ेगा। अच्छा डेप्रिसिएशन माइनस करके कर भी क्या लोगे, क्योंकि सीएफबीटी में से क्या माइनस करता है, करना पड़ता है टैक्स, तो ये सीएफएटी है पक्का। बाकी मुझसे क्लास के बाद डिस्कस कर लो किसको। पहले साल का कितना है? कुछ नहीं, मतलब सर पहले साल से दुकान खोल के बस खाली देखते रहे, पैसा आया नहीं, होता है पहले पहले साल, फिर आना स्टार्ट हुआ तो जबरदस्त। तो टोटल इसकी लाइफ कितने साल है? 5 है ना, गलती से 4 मत बोलना, इसका भी 5। सीएफएटी दिया है, फैक्टर भी दिया हुआ है, वाओ। हमें क्या निकालना है? आराम से हो जाएगा पीआई, ये भी हो जाएगा एनपीवी, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो पहले एनपीवी निकालना चाहिए फिर पीआई निकालना, पर ठीक है वो कर लोगे आप। सवाल है टर्मिनल वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, सैलवेज है नहीं है तो टैक्स तो है ही नहीं है, टैक्स का रेट ही नहीं दिया ना भाई तो टैक्स भी नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। टर्मिनल वैल्यू डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा? हाँ तो फिर नहीं आएगा, हाँ तो एसएलएम मान के करते, अगर कुछ नहीं दिया होता डेप्रिसिएशन तो एसएलएम मानते, और एसएलएम में तो स्क्रैप वैल्यू 0 है तो वैसे भी वो 0 ही है। हाँ टैक्स रेट दिया है तो यहाँ टैक्स रेट इतना, हाँ हाँ फिर आप एज्यूम करके कर सकते नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, मतलब ऐसे में तो आप तो खेल ही खत्म कर दो, मतलब इसको भी मेरी बात समझो, एज्यूम इतना ही करो, मतलब आप सीधा लास्ट में एनपीवी भी एज्यूम कर लो फिर तो क्या फर्क पड़ता। ठीक है ठीक है ठीक है, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ इसको तो मैं होमवर्क दे ही रहा हूँ, क्या लगता है इसमें स्पेशल? बस इतना है कि पहले साल का कैश फ्लो नहीं दिया, हो जाएगा ना कोई दिक्कत।
तो ये होमवर्क कॉपी में करोगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखना हमको अपनी कॉपी में, होमवर्क कॉपी में डाल देना। तो प्लीज और होमवर्क दीजिए ना, ठीक है। अब आपका दिल करेगा कि सर ये क्वेश्चन अगर हम नहीं कर पाए ना तो बात गई। चलो पढ़ लेते हैं। दो मशीन है MX MY 8 लाख 10-20 दोनों का लाइफ है 6 साल। स्क्रैप वैल्यू दिया 20,030। ये क्या लिखा हुआ है? वाह ये तो सबको पता है। टैक्स का रेट कितना दिया है 30% और रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है 10% और डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड SLM मेथड। एक ही जगह फंसोगे सिर्फ टर्मिनल वैल्यू। हमारे पास कोई शॉर्टकट है कि एक बार सोचते हैं, सुनो पहले बिना निकाले सोच के देखते हैं। स्क्रैप वैल्यू है 20,000 तो टर्मिनल वैल्यू कितना आएगा? हाँ। अगर बिना निकाले जुगाड़ लगाते अगर स्क्रैप वैल्यू 20,000 है और WSLM मेथड है तो उस हिसाब से टैक्स कुछ आएगा कि नहीं आएगा? मैं क्या कहना चाहता हूं समझना। स्क्रैप वैल्यू मतलब सेल्स कंसिडरेशन, बोलो 20,000 सेल्स कंसिडरेशन 20,000 माइनस बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितना आएगा? बुक वैल्यू मतलब 5वें साल के एंड में कैसे निकल बुक वैल्यू? SLM मेथड में बुक वैल्यू 0 आता है ऐसा बोल रहा है ये, मैं नहीं बोल रहा, ये ऐसा इनका कहना है। ठीक आठ लाख माइनस डेप्रिसिएशन हर साल का कितना आएगा? 8 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 6 तो टोटल मिलाकर 1,30,000 डेप्रिसिएशन माइनस होगा। ये एक साल का है तो कितने साल का डेप्रिसिएशन माइनस होगा? 6 साल का। ये मशीन का कॉस्ट और माइनस है डेप्रिसिएशन तो बुक वैल्यू कितना जाएगा? 20,000 ही है तो बोलो कैपिटल गेन, तो टैक्स, तो टर्मिनल वैल्यू। तो इसे कहानी समझ में आई, अगर SLM मेथड है और डेप्रिसिएशन SLM मेथड है तो स्क्रैप वैल्यू ही आपका क्या आएगा? टर्मिनल। हमें अलग से कैलकुलेट नहीं करना, भगवान करे ये आपको याद रहे लास्ट तक। ठीक, तो अगर आप करना भी चाहते तो कर लेना, पर कोई सेंस नहीं है। आप सीधा लास्ट में 20,000 लिख सकते और बाकी कुछ स्पेशल नहीं है। पेबैक पीरियड निकालना निकाल लोगे, एनपीवी निकालना और फैक्टर भी दिया हुआ है तो वो भी काम हो जाएगा। और पूछ रहा कौन सा एक्सेप्ट करोगे? होमवर्क। तो टोटल मिलाकर मैंने आपको, और कौन सी कॉपी में करना चाहोगे इसको? कुछ स्पेशल दिख रहा है क्वेश्चन में? ये वाला पॉइंट है, बाकी और कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा, होमवर्क कॉपी में ही करना। तो आज की क्लास हम लोग ओवर करेंगे। कितने होमवर्क दिया है मैंने टोटल? 3 क्वेश्चन होमवर्क कर लोगे, किसी भी डाउट्स होगा तो पूछ लोगे। मेरा दिल कर रहा है और, पर नहीं अभी नहीं, सफिशिएंट।